कहानी मैंने शुरू की थी तो खत्म भी मैं ही करूंगा। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में बनी शाहरुख खान, तापसी पन्नू एंड विकी कौशल स्टारर फिल्म डंकी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 13 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फिल्म डंकी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो फिल्म आज सिनेमाघरों में अपने 13 डेज को कम्प्लीट कर रही है। बात करेंगे फिल्म के डे 13 कलेक्शन की, तो फिल्म डंकी ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 13 के अंदर 8.75 करोड़ की कमाई की है। इसी के साथ फिल्म डंकी का फ्रॉम डे 13 तक टोटल इंडिया के बॉक्स ऑफिस से 2.82 करोड़ की कमाई कर चुकी है, तो वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 390 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है और फिल्म 400 करोड़ के आंकड़े के नजदीक पहुंच चुकी है। फिल्म डंकी के बजट की बात करें तो फिल्म को 200 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रमोशन कॉस्ट को मिलाकर। फिल्म डंकी दोस्तों आप सभी को बता दूं कि साउथ के सुपरस्टार प्रभास की फिल्म सलार से जबरदस्त क्लैश हो रही है। फिल्म डंकी को दोस्तों आपने देखी या ना देखी, अगर आपने इस फिल्म को मिस किया तो नजदीकी थिएटर्स में जाके फिल्म का लुत्फ उठा सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं साउथ फिल्मों के रिवेल स्टार प्रभास की अपकमिंग फिल्म सलार पार्ट वन सीज फायर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 12 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फिल्म सलार पार्ट वन सीज फायर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो फिल्म फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर अनस्टॉपेबल नजर आ रही है। फिल्म कलेक्शन करने के मामले में झंडे गाड़ रही है। फिल्म के आज बॉक्स ऑफिस पर 12 डेज कम्प्लीट हो चुके हैं। और बात करेंगे फिल्म सलार पार्ट वन सीज फायर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो फिल्म का फ्रॉम डे 12 के अंदर वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस 22 करोड़ की कमाई हुई है। इसी के साथ फिल्म सलार का फ्रॉम डे 12 तक टोटल वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 678 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर चुकी है, जहां फिल्म का अपने स्टेट आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना बॉक्स ऑफिस पर 237 करोड़ ग्रॉस, हिंदी बेल्ट में 154 करोड़, केरला के बॉक्स ऑफिस पर 10.45 करोड़ ग्रॉस, तो फिल्म का तमिलनाडु में 17.40 करोड़ ग्रॉस, तो वहीं फिल्म का कर्नाटका में 6.10 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर चुकी है और फिल्म तेजी से 700 करोड़ की तरफ बढ़ रही है। दोस्तों फिल्म सलार के बजट की बात करें तो फिल्म को ओवरऑल 400 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग स्टार्स के सैलरीज को मिलाकर। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फिल्म सलार के लिए प्रभास को 100 करोड़ की फीस दी गई है। फिल्म सलार को दोस्तों प्रसाद नील के डायरेक्शन में होमले फिल्म प्रोडक्शन हाउस में विजय किरण गंदूर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। वहीं दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फिल्म सलार पार्ट 2 भी बहुत जल्द शूटिंग के लिए रेडी होने वाली है। फिल्म सलार को दोस्तों अगर आपने मिस किया तो आप एक बेहतरीन फिल्म को मिस कर रहे हैं। नजदीकी थिएटर्स में जाके इस वीकेंड फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं साउथ फिल्मों के सुपरस्टार नाने की फिल्म हाई नन्ना के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 27 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे नानी एंड मृणाल ठाकुर स्टारर तेलुगु लैंग्वेज की 2023 की इमोशनल फिल्म हाई नन्ना के कलेक्शन की बात करें तो फिल्म आज सिनेमाघरों में 27 डेज को कम्प्लीट कर चुकी है और फिल्म का टोटल डे 27 तक कलेक्शन 76.25 करोड़ की हो चुकी है। फिल्म के बजट की बात करें तो फिल्म को 65 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रमोशन कोस्ट को मिलाकर। फिल्म हाई नन्ना को दोस्तों अगर आपने अभी तक मिस किया है तो आप एक बेहतरीन फिल्म को मिस कर रहे हैं। नजदीकी थिएटर्स में फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 33 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फिल्म एनिमल के कलेक्शन की, तो फिल्म एनिमल आज सिनेमाघरों में 33 डेज को कम्प्लीट कर चुकी है और फिल्म का डे 33 कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 33 के अंदर 1.15 करोड़ की कमाई की है। इसी के साथ फिल्म एनिमल का फ्रॉम डे 33 तक टोटल इंडिया के बॉक्स ऑफिस से 549.69 करोड़ की कमाई कर चुकी है और 550 करोड़ के आंकड़े के नजदीक है। तो वहीं फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस की बात करें तो फिल्म एनिमल का वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 895 करोड़ की कमाई हो चुकी है और फिल्म 900 करोड़ कमाने वाली है। फिल्म एनिमल को दोस्तों 200 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रिंट्स एंड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को मिलाकर। फिल्म एनिमल को दोस्तों अगर आपने मिस किया तो इस वीकेंड फिल्म का लुत्फ उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये था लेखा जो का हाल फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस का। ये पोस्ट फसल तो लाइक करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।